है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करके और एक डिटेल रिव्यू दूंगा ड्रिल मशीन का, जो कि ज़्यादातर हार्डवेयर का पार्ट है और हार्डवेयर में यूज़ किया जाता है। घर में होल करना हो या ड्रिल करना हो तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर बाहर से आप किसी को बुलाओगे यानी कि ड्रिल करने के लिए, तो वो काफ़ी चार्जेस लेते हैं, तो इसलिए आप सेल्फ अपने आप भी ड्रिल कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये मैंने ये परचेज़ की है ऑनलाइन। अभी बिग बिलियन सेविंग डे चल रहा है और डील काफ़ी सही मिल रही हैं, तो मुझे ज़रूरत थी एक ड्रिल मशीन की जो फ्यूचर में काम आए और काफ़ी घर में जो होते हैं होल वगैरह करने काम आती है। तो ये फोस्टर की ड्रिल मशीन है। मैं अनबॉक्सिंग फटाफट कर लेता हूँ, तो पैकिंग काफ़ी अच्छी दी थी इन्होंने। फोस्टर की ड्रिल मशीन, तो ये मॉडल है FHD220RE। रोटरी हैमर मशीन है ये, 200 वीट वॉल पे चलती है और 780 के वॉट ये लेती है। 850 इसका RPM है और 20 mm का इसमें चौक इसमें लगता है मैक्सिमम। तो ये कुछ ग्रे और रेड कलर में है, ये यहाँ पे प्राइस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने टैग वगैरह और दिया हुआ है, तो इस साइड में भी सेम है। बाकी अब हम इसको पॉलिथिन को अनपैक करके और इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इसके लॉक करने के सिस्टम दिया हुआ है। तो बॉक्स की क्वालिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर ओके ओके है, यूज़ कर सकते हैं। अंदर देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं बुकलेट है, इसमें एक ये वारंटी कार्ड है और ये एक यूज़र मैनुअल है। आपको इसको यूज़ करने से पहले एक बार देख लेना कैसे यूज़ करना है, बाकी मैं साइड रख देता हूँ। और हम देखते हैं इसमें कितने हमारी इसमें आपको जो है होल करने के लिए आपको दिए जाएंगे। तो ये देख सकते हैं अलग अलग नंबर के दिए हुए हैं, ये यहाँ पर 9-8 नंबर का है। तो ये 8 नंबर के हिसाब से आप जो होल करना होगा वॉल में उसके हिसाब से कर सकते हैं। और भी इसमें यानी कि 3 दिए हुए हैं, एक ये 8 और एक ये 10 नंबर और एक 6 नंबर, तो 3 इसमें दिए हुए हैं। तो टोटल इसमें हमको ये 4 बिट्स मिलती हैं, 3 ये आपकी 6, 8 और 10 नंबर की, और एक ये वाली ये 3 बिट्स, 4 बिट्स टोटल में मिलती हैं। और अब बात करते हैं अपने जो हैमर, जो हमारा हैमर ड्रिलर है, तो ये आप इसको सपोर्टेबल है या आप इसको टाइट करके पकड़ सकते हैं, और टाइट करके ही आपको बेसिकली ड्रिल करने में इजी रहेगा, जैसे कि आपको सपोर्ट मिलेगा सही से पकड़ने में। ये आपका इधर लेफ्ट राइट करके हैमर पे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल टू हैमर। फोस्टर की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पे कुछ फीचर दिए हुए हैं। तो ये बटन, एक बटन दिया हुआ है गोल, यहाँ पे लेफ्ट और राइट घूमता है और ये दबता है, और एक वाला बटन दिया हुआ है। तो ये कुछ फीचर को हम डीपली तरीके से समझेंगे कैसे काम करते हैं और कैसे काम नहीं करते, तो हम इसको समझेंगे। और इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो काफ़ी हैवी क्वालिटी की मशीन है, यानी कि इसकी फ्लिपकार्ट पर रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो उस हिसाब से मतलब काफ़ी अच्छी मुझे लगी रेटिंग वाली, काफ़ी अच्छी है इसकी। तो इसको 2 कलर में, ग्रे और रेड कलर में दिया हुआ है, फोस्टर ब्रांडिंग नाम है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको ऐसे लगाना होगा आपको। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट हैं इसके, जो पीछे वाला पार्ट है इसको आपको पीछे की तरफ दबाना है, तो जैसे दबाएंगे ये लूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। अभी मुझे निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम निकाल रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ट्राई करेंगे बहुत ईजिली निकल जाएगा। ये निकल गया और ऐसे ही दबा के आप अंदर इसको डाल सकते हैं, दबाएंगे नहीं तो बिना दबाए भी अंदर डाल सकते हैं। तो ये मैं दबाऊँगा, अंदर डाल दूँगा तो ये डल जाएगा इजीली। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो आई होप ये इजीली हो जाए। ये हो गया। तो अब बात कर लेते हैं कैसे इसके फीचर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक आपको नोब मिलेगी, ये बटन टाइप का मिलेगा, उसको आपको रोल घुमाना है। लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे तो ये जो है इसके स्पीड, इसका RPM कम हो जाएगा और काफ़ी स्लो स्पीड से घूमेगा। देख सकते हैं कितना, वीडियो में आप फोकस कीजिए, देखिए कितना स्लो स्पीड से ये चलेगा। काफ़ी बहुत कम RPM पे चल रहा है तो बहुत स्लो चल रहा है। जहाँ भी आपको बहुत आराम से होल्ड करना हो वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। इस साइड ये घुमाएंगे तो यहाँ पे ये साइड से तेज़ वर्क करेगा, यानी कि इसके RPM हाई हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसके RPM को मैनेज कर सकते हैं, क्या नाम है, और यहाँ पे ये आपका जो हैमर ऑप्शन दिया हुआ है इसको हैमर मोड पे लाते हैं, यहाँ आपका हैमर वर्क करने लगेगा। बाकी वापस कर देंगे तो नॉर्मल ये वर्क करेगा। साथ में यहाँ पे आपको एक नॉब मिलेगी, यहाँ पे इसको आपको लेफ़्ट और राइट करेंगे तो लेफ़्ट, अगर ये आपने राइट कर दिया तो आपका जो ये
जो वर्किंग है तो ये वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, यानी कि होल्ड करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी ये देख सकते हैं अभी ये स्पीड राइट की तरफ जा रही है, राइट की तरफ घूम रहा है, और अगर ये लेफ़्ट की तरफ कर देंगे तो ये रिवर्सेबल हो जाएगा, यानी कि बैक साइड में घूमेगा, उल्टा घूमने लगेगा। ये देखिए उल्टा घूमने लगा, इस बार उल्टा घूम रहा है। तो ये दोनों तरफ काम करती है, अगर आपको रिवर्स करना है या फॉरवर्ड करना है तो ये आप इसके मैनेज कर सकते हैं। वैसे अगर आप काम करना है तो उसको बीच में ही रखिए। ये स्पीड काफ़ी इसमें सही आ रही है, ये देखिए इस टाइम ये नॉर्मल वर्किंग मोड में आ गया है। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि कंटिन्यूसली आपको वर्क करना होता है तो उसके लिए होता है, दबा के रखिए, फिर ये छोटा वाला बटन दबा दीजिए तो इससे ज़्यादा आपको हाथ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, इजीली ये काम करते रहिए, अपनी एक नॉर्मल स्पीड में काम करते रहेगी। तो ये काफ़ी ठीक ठाक मशीन लगी मुझे, मैं इसको आउट ऑफ 5 में इसको 4 स्टार देना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी मशीन मुझे लगी है, तो आपको इसको परचेज़ कर लेना चाहिए। 2000 के प्राइस में थम्स अप है और अच्छी क्वालिटी है।